वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस दिस इज रंजन बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के वीडियो के मॉड्यूल नंबर फोर फर्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर मॉड्यूल नंबर फोर दैट इज मैग्नेटिक सर्किट्स तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे बताया हुआ था न्यूमेरिकल ऑन ए सी सर्किट्स के वीडियो में कि हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा फोर्थ मॉड्यूल ऑन मैग्नेटिक सर्किट्स तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेटिक सर्किट्स के बारे में और अब जो अपकमिंग वीडियोज आपको जो मिलने वाले हैं दैट विल बी ऑल अबाउट मैग्नेटिक सर्किट्स तो आइए स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल नंबर फोर और देखते हैं कि इस पर्टिकुलर वीडियो में आज के इस मेन uh, वीडियो में हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करेंगे कौन कौन से सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं तो आज के इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ फर्स्ट थिंग कि ये पर्टिकुलर मॉड्यूल किन लोगों के लिए है फॉर हूं देन सेकेंड थिंग जिसके बारे में बात करूंगा कि इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में हम लोग कौन सा सिलेबस कवर अप करेंगे सिलेबस ओवरव्यू तो ये पूरा मॉड्यूल बेसिकली सिलेबस ओवरव्यू पे भी डील कर रहा है और लास्ट थिंग कि इसमें आपको कितने नंबर ऑफ वीडियोस दिखेंगे एंड आप कौन कौन से बुक्स इसके लिए रेफर करेंगे कितने वीडियोस दिखेंगे वीडियोस के क्या क्या पार्ट्स होंगे और इंपॉर्टेंट बुक्स आपको कौन कौन से रिफ़र करने वाले हैं तो ये सारा कुछ हम लोग आज बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर ऑल अबाउट मैग्नेटिक सर्किट्स और जल्दी स्टार्ट करेंगे हम लोग इसके आने वाले वीडियोस भी पूरे जहाँ पे मैं आपसे बात करूँगा कि मैग्नेटिक सर्किट्स इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स तो हम लोगों ने इतने मॉड्यूल्स तक पढ़ा आज से जब स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल ऑफ मैग्नेटिक सर्किट्स तो देखेंगे कि मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा रहता है इलेक्ट्रिक सर्किट्स का लेकिन इन सबसे पहले मैं आपसे ये बात कर लूँ कि ये किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा ये जो वीडियो सेक्शन जो शुरू होंगे ये वीडियो के जितने मॉड्यूल नंबर फोर के जितने पार्ट्स आने वाले हैं ये किन लोगों को बेनिफिट करेंगे किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होने वाले हैं क्विकली उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार तो सबसे फर्स्ट थिंग फॉर होम तो ये जो पर्टिकुलर मॉड्यूल है इसको ऐसा बनाया गया है इसको ऐसा कोशिश किया गया है कि ये किस किस टाइप की चीज़ों का सिलेबस कवर करेगा सो so दैट कि इन पर्टिकुलर लोगों को बेनिफिट कर सके देखिए सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि जो हमारे ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं फिज़िक्स का सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं किसी भी बोर्ड से हो अगर आप ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं और फिज़िक्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपके सिलेबस के अंदर ये पर्टिकुलर मॉड्यूल काफ़ी हद तक की चीज़ों को कवर अप करने वाला है ठीक है तो ट्वेल्थ के स्टूडेंट डेफिनेटली बेनिफिटेड होंगे इससे जो आई आई या डिप्लोमा कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल में डेफिनेटली उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये वाला मॉड्यूल उनको भी इन कई सारी चीजों में डील करना पड़ता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जितना भी आप कुछ पढ़ते हैं जितना भी इसके बारे में आप जानते हैं या डील करते हैं वो सब कुछ आपको इस मॉड्यूल के अंदर मिलने वाला है देन नेक्स्ट अफकोर्स फॉर बी फर्स्ट स्टूडेंट्स जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो चाहे फर्स्ट सेम में या सेकेंड सेम में किसी एक सेमेस्टर में बेस्ड अपॉन योर ग्रुप सिस्टम आप डेफिनेटली इस चीज़ को पढ़ते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में अलग अलग नाम से तो ये पर्टिकुलर मॉड्यूल आपके सिलेबस के अंदर डेफिनेटली आपको मिलेगा इसमें काफ़ी सारा कुछ बेस भी है जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्मर्स के चैप्टर में भी समझते हैं आगे चल के तो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट पार्ट तो बी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये इनके सिलेबस का पूरा ओवरऑल पार्ट ही है जिसको हम लोग कवर अप करने वाले देन दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर हायर सेम स्टूडेंट्स लेकिन ब्रांच ट्रिपल ई दैट इज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड डबल ई ब्रांच दैट इज कोर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच खासतौर पर इन दो इंजीनियरिंग के फील्ड के बच्चों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके साथ साथ कुछ हद तक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम के जो ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं काफ़ी हद तक उन लोगों के लिए भी ये मॉड्यूल असर करेगा वर्क करेगा उन लोगों के लिए भी क्योंकि तो आप जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स एंड एंटीनाज वगैरह का सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें कुछ हद तक कुछ कंसेप्ट जो हैं आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे यहाँ से भी आपको फेवरेबल कंसेप्ट आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे और नेक्स्ट गेट एस्पिरेंट्स तो गेट एस्पिरेंट्स जितने भी होंगे ऑल द गेट एस्पिरेंट्स जो इलेक्ट्रिकल से इस बार गेट की तैयारी कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से गेट दिलाने वाले हैं तो जितने भी गेट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये मॉड्यूल काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए बिना बेसिक चीज़ पढ़े बिना बेसिक्स क्लियर किए आप अगर सोचें कि आप एडवांस लेवल क्लियर कर लें एडवांस लेवल समझ जाएँ तो वो पॉसिबल नहीं होता है आपका बेस क्लियर होना ज़रूरी है गेट जैसा एक लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए आपको सबसे पहले अपना पूरा बेस क्लियर रखना पड़ेगा तो कई बार ऐसा होता है कि हम हायर सेमेस्टर्स में पहुंच जाते हैं और फिर हमारी कुछ एक आध बेसिक चीज़ें जो पीछे लैग हो जाती हैं और वो आखिरी तक वैसे ही छूटी रहती हैं क्योंकि हम लोग उनको कवर नहीं कर पाते हैं तो आपके पास एक क्विक सा सेशन रहेगा आप क्विकली ये जितने भी हमारे वीडियोज़ आने वाले हैं तुरंत जल्दी जल्दी आप देखते जाइए आपके जितने बेसिक डाउट्स हैं उसको क्लियर करते जाइए एंड फॉर दैट यू डोंट यू वॉन्ट बी नीडिंग टू गो थ्रू ऑल द बुक्स एंड ऑल द पेजेस आप डायरेक्टली इन वीडियो के इससे गो थ्रू हो जाइए वीडियोस को देख लीजिए और उसके बाद आपका ये जो जो टास्क है जो गेट की आप तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे आप लैग होते जा रहे हैं उस चीज़ को आप कवर अप करके लेवल अप कर सकते हैं तो गेट एस्पिरेंट्स के लिए भी काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट है और हायर सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जैसा कि मैंने बताया तो इम्पोर्टेंट है तो ये बेसिक इतने लोग हैं इस टाइप के जो अलग अलग फील्ड वाले जो लोग हैं इन सबको ये मॉड्यूल वर्क कर सकता है मॉड्यूल इनके लिए बेनिफिशियल होगा आई होप कि इनके अगर कुछ बेसिक कंसेप्ट जो ये समझना चाहते हैं वो हमारे मॉड्यूल में कवर अप हो मैंने काफ़ी कुछ, कुछ कोशिश किया हुआ है कि इसका सिलेबस कुछ ऐसा बनाया हुआ है कि इन सभी टाइप के जो स्टूडेंट्स होंगे इन सब के कुछ कुछ पार्ट जो हैं वो उसके अंदर डेफ़िनेटली आ जाने चाहिए मेजरली मैंने इसको बी फर्स्ट ईयर को फोकस करके बनाया हुआ है और हायर सेवन गेट एस्पिरेंट्स के लिए खास तौर पे तो और लेकिन इसका जो टॉपिक है वो ऑब्वियसली ट्वेल्थ फिज़िक्स और डिप्लोमा आईटीआई वगैरह के जो बच्चे हैं उनकी भी Uh, जो क्वेरीज होंगी उनको भी कवर अप करेगा तो आई होप अपार्ट फ्रॉम दैट अगर इसके सिलेबस ओवरव्यू के बाद अगर आपको लगता है कि uh, कुछ टॉपिक्स uh, और इसमें इंक्लूड करना चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझको इसमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं यहां पर देन आफ्टर फॉर होम नेक्स्ट टॉपिक जो मुझको लगता है जो डिस्कस करना चाहिए हम लोगों को दिस इज सिलेबस ओवरव्यू सिलेबस ओवरव्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वीडियो के शुरुआत से आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या कंटेंट मिलने वाला है क्या कंटेंट आपको अवेलेबल होने वाला है सो दैट इट विल बी वेरी मच क्लियर कि आप आगे इसके आगे क्या पढ़ेंगे तो अपने काम की जो भी चीज़ें हैं जो आपको सही लगती हैं आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं वहाँ से ठीक है तो सिलेबस ओवरव्यू एक बार मैं स्टार्ट करता हूँ क्विकली और देखते हैं कि इन सभी जो मैंने कैटेगरीज़ बताई जो स्टूडेंट्स की इसमें से ये किन किन स्टूडेंट्स के लिए कितना किस हद तक कितने परसेंट बेनिफिशियल होने वाला है नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज सिलेबस ओवरव्यू ऑफ मॉड्यूल नंबर फोर तो मॉड्यूल फोर का सिलेबस कुछ इस टाइप का होने वाला है सबसे फर्स्ट तो हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक सर्किट्स इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक सर्किट्स के बारे में मैग्नेटिक सर्किट्स का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये होते क्या हैं किस टाइप के सर्किट्स होते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कौन कौन सी बेसिक क्वांटिटीज इसके अंदर अवेलेबल होती है और इसी के साथ इसी सेम वीडियो में हम एक और चीज के बारे में बात करेंगे दैट इज बेसिक मैग्नेटिक टर्म्स यूज्ड जो बेसिक टर्म्स हम यूज़ करते हैं मैग्नेटिक सर्किट्स के अंदर एक एक टर्म के बारे में हमको जानना चाहिए हमको पता होना चाहिए कि हर एक टर्म होता क्या है इसकी वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं इसके फॉर्मूले क्या होते हैं किससे डिनोट किया जाता है इनकी ऐसा SI यूनिट्स क्या होती है ये सारी चीज़ चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे क्योंकि इसी टॉपिक के अंदर जो चीज़ें आप पढ़ेंगे उसके बेसिस पे आपसे इसके क्वेश्चंस बनने वाले हैं ठीक है ठीके? तो फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट पार्ट में हम लोग कोशिश करेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक सर्किट्स डिस्कस करें साथ ही साथ बेसिक मैग्नेटिक के टर्म्स जो यूज होने वाले हैं उसके बारे में भी बात करें then in our second video we will be talking about two short topics that is magnetic leakage flux and magnetic fringing ठीक है तो मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्रिंजिंग के बारे में डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट में एंड देन इन आवर थर्ड पार्ट जो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें हम बात करेंगे ऑल अबाउट बी एच कव ऑल्सो नोन एज हिस्टेरेसिस लूप या हिस्टेरेसिस लॉस कर्व। इसी के साथ हम एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे दैट इज एडी करेंट लॉसेस ठीक है एडी करंट्स के बारे में बात करेंगे आई होप कि जो ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स होंगे वो जो इस सिलेबस ओवरव्यू को अगर देख रहे होंगे तो उनको ये चीज समझ में आ रही होगी ये सारा कुछ टॉपिक इनके सिलेबस के अंदर अवेलेबल है ऑलरेडी एंड देन आवर फोर्थ टॉपिक विल बी ऑन न्यूमेरिकल्स ऑन मैग्नेटिक सर्किट्स तो ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट जो है इसको मैंने तीन अलग अलग, अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है क्योंकि तो इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बेसिकली तीन अलग अलग टाइप्स के हैं तो टाइप के बेसिस पे मैंने कोई कैटेगराइज़ कर दिया इनको कि तीन अलग अलग वैरायटी के न्यूमेरिकल्स हैं तो हम इसको कोशिश करेंगे तीन अलग अलग वीडियो में सेपरेटली सबको डील करने की ठीक है तो टाइम कंज्यूम ज़्यादा ना हो उसका ध्यान रखते हुए हम लोग कोशिश करेंगे कि बिल्कुल टू द पॉइंट हम लोग सारी चीज़ों को कवर अप करें लेकिन एक एक चीज़ को जितना इम्फेसिस देना चाहिए वो भी इंक्लूड करते हुए हम लोग ये तीनों वराइटीज़ को डिस्कस करेंगे इसके अंदर सो दिस इज द ओवरऑल सिलेबस ओवरव्यू फॉर मॉड्यूल नंबर फोर दैट इज मैग्नेटिक सर्किट्स इन चीज़ों को हम लोग कवर अप करने वाले हैं अपने पूरे फोर्थ मॉड्यूल के अंदर और वीडियो के टर्म्स में अगर मैं आपको बता दूं तो आपको इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक सर्किट्स एंड बेसिक मैग्नेटिक टर्म्स यूज का कंबाइंड एक सिंगल वीडियो मिलने वाला है देन नेक्स्ट मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्रिंजिंग विल बी कंबाइंड इन वन सिंगल वीडियो एंड देन बी एच कर हिस्टेसिस कर और एडी करेंट लॉसिस विल ऑल्सो भी कंबाइंड इन वन सिंगल वीडियो लेकिन न्यूमैरिकल ऑन मैग्नेटिक सर्किट्स विल बी इन थ्री सेपरेट वीडियो न्यूमेरिकल तीन वीडियो में करना बहुत जरूरी है because मैं चाहता हूँ कि आप एक एक टाइप के जो न्यूमेरिकल से सबको सेपरेटली डील करना सीख जाए ठीक है जब हम उस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो उसको तीन अलग अलग पार्टस में पढ़ने वाले हैं आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड अबाउट इस बुक्स आपको इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को पढ़ने के लिए कौन कौन से बुक्स चाहिए जैसा कि हम अपने हर मॉड्यूल के स्टार्टिंग में बात करते हैं कि हर एक टॉपिक के हिसाब से हर एक सेक्शन के हिसाब से हर एक मॉड्यूल के हिसाब से कुछ बुक्स होती हैं जो उस सब चीजों को सेपरेटली बहुत अच्छे से कवर अप करती हैं तो यहां पे भी बुक्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे फर्स्ट नंबर पे जो बुक है मेरे पास दैट इज जैन एंड जैन टेक्स्ट बुक ऑन बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी बाय जैन एंड जैन सेकेंड बुक कैन बी फ्रॉम नागराथ एंड कोठारी थर्ड बुक कैन बी फ्रॉम बीएल थरेजा थ्रेजा एंड ए के थेजा एंड फोर्थ बुक फ्रॉम बी कैन फोर्थ बुक कैन बी फ्रॉम सहदेव एंड चतुर्वेदी इसके अलावा आप पी एस भीमरा की बुक भी रेफर कर सकते हैं आप जे बी गुप्ता की बुक रेफ़र कर सकते हैं काफ़ी सारी अच्छे अच्छे बुक्स हैं मार्केट में इन बुक्स को आप रेफ़र कर सकते हैं आप चाहें तो जैन एंड जैन को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख सकते हैं जिस ऑर्डर में मैंने लिखा हुआ है प्रायोरिटी उस बेसिस पे भी आप डिसाइड कर सकते हैं जैन एन जैन काफ़ी अच्छी बुक है इसमें आपको डिटेल में थ्योरी पोर्शन भी मिल जाएगा इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी आपको पढ़ के समझते बन जाएगा और इसके साथ साथ आप जो जिस टाइप के न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ पर कराऊँगा उस टाइप के वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे और इसी के साथ साथ आप नागराथन कोठारी या बी एल थ्रेजा की बुक भी रेफ़र करें उसमें भी आपको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन प्रॉपर कंसेप्ट के साथ मिल जाएंगे पूरे तो ये कंसेट बिल्डअप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे बुक्स हैं और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छे बुक हैं इसके अलावा आप पार्कर एंड स्मिथ की प्रॉब्लम ऑन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग्स की जो बुक है उसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं वैरायटी ऑन न्यूमेरिकल्स वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स आपको उसके अंदर अवेलेबल हो जाएंगे तो अगर सिर्फ प्योरली आपको न्यूमेरिकल बनाने का ही पर्पज़ है तो आप पार्कर स्मिथ की बुक भी रेफ़र कर सकते हैं अच्छी बुक है वो भी सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सिलेबस ओवर व्यू एंड ऑल अबाउट द बुक्स या टेक्स्ट बुक्स जो आपको रेफर करने चाहिए इस मॉड्यूल नंबर फोर के लिए ठीक है तो बहुत जल्दी हम लोग अभी मिलने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं बात करूंगा आपसे डायरेक्टली स्टार्ट करूंगा इनफैक्ट इस मॉड्यूल नंबर फोर को और हम लोग बात करेंगे अबाउट इंट्रोडक्शन एंड बेसिक टर्म्स यूजड इन मैग्नेटिक सर्किट्स तो इस पर्टिकुलर वीडियो को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूं आई होप कि आपने ये पूरा सिलेबस देखा होगा और अपने सिलेबस के साथ आपने इसको मैच करके देखा होगा कि कितनी चीज़ें आपके काम आने वाली हैं और आप आई होप कि आप हमारे साथ बने रहेंगे आगे भी टिल देन आई एम कम्प्लीटिंग दिस वीडियो एंड सी यू देन थैंक यू